बिबियापुर के विकास कुंज साईं मंदिर में लगे वट वृक्ष के पेड़ में सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष के साथ फेरे लगाए एवं वट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर फल एवं जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। विकास कुंज की रहने वाली रश्मि अग्निहोत्री एवं शुभमन यादव ने बताया, आज के दिन वट वृक्ष की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन सत्यवान की पत्नी सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा करके यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे, इसलिए आज के दिन पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आज के दिन हम लोग हर साल वट वृक्ष की पूजा करते हैं। हमारे आईपीएन न्यूज के जिला संवाददाता एसके यादव ने विकास कुंज दिबियापुर की रश्मि अग्निहोत्री एवं शुभमन यादव एवं अन्य सुहागिन महिलाओं से पूछा, ये व्रत क्यों रखा जाता है? ये व्रत सावित्री का व्रत क्यों रखा जाता है? मानते हैं सर, शास्त्र में लिखा है कि जो सावित्री थी उन्होंने अपने पति सत्वान के लिए ये व्रत रखा था और यमराज से वो अपने पति को ले आई थी वापस। तो हम लोग भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि जो बरगद का वृक्ष है उसकी उम्र बहुत होती है, बहुत ज़्यादा उसकी। ये साल में कितनी बार व्रत रखा जाता है? एक ही बार रखा जाता है, ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को। जी, बट सावित्री का व्रत ये क्यों रखा है आपने? पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए। जो व्रत चल रहा है ये किस लिए मनाया जाता है? ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। और सावित्री ने ये व्रत अपने रखा था सबसे पहले, उसके बाद जो है सभी महिलाएं भी किसी व्रत को अपनी पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष पे आकर पूजा करती हैं। जी, तो ये साल में कितने बार किया जाता है? ये साल में एक ही बार किया जाता है। अच्छा, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है। और सभी महिलाएं अपने मन क्रम वचन से शुद्ध होकर इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं भगवान से।